वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं वो है बहुत ही मज़ेदार इटालियन पिज़्ज़ा, जिसको कहते हैं इटालियन में मार्गरीटा पिज़्ज़ा, और चीज़ पिज़्ज़ा भी इसको कहा जाता है। एक्चुअली हमारे बच्चा जो है वो प्ले ग्रुप में जाता है, तो वहाँ पे वन डिश पार्टी है, तो टीचर और पेरेंट्स जो है वो मिलके डिसाइड करते हैं कि बच्चों के लिए कौन सी चीज़ कौन से पेरेंट्स लेके हैं घर से। तो हम तो कोई और भी पिज़्ज़ा बना सकते थे, लेकिन जो टीचर है उन्होंने कहा सबसे ज्यादा बच्चे ये वाला पिज्जा जो है वो खुश होके खाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जिन चीजों की जरूरत मैं आपको बताती हूँ, ये डो तकरीबन 4 घंटे पहले इसको हमने रखा हुआ था, ये काफी अब राइज हो चुकी है माशाल्लाह से। तो इसका लिंक जो है वो मैं डाल दूंगी, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ये उसी मेथड से ये डो बनाई है। चीज ये 2 किस्म की है, मोजरेला चीज और गुआडा, आप चाहें तो एक किस्म की इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिज्जा सॉस, इसकी भी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूं, इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पिज्जा बनाना। व्यूअर्स, हमने 3 फैमिली पिज्जे बनाने हैं, उसके लिए हमने तकरीबन 2 किलो आटा लिया था मैदा, तो इसको हमने 3 पिज्जों में डिवाइड करना है। व्यूअर्स, ये तीनों पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं, इनको हम 5 मिनट के लिए कम से कम रेस्ट करने के लिए देंगे, और इतनी देर में हम जो सांचा है पिज्जे का उसको हम ऑयल लगा लेंगे हल्का सा। व्यूअर्स, ये देखें, ऑयल का सबसे अच्छा तरीका जो लगाने का है वो ये है, पेपर के साथ अगर आप लगाएं तो वो जितना हमें चाहिए होता है उतना वो रह जाता है, बाकी पेपर जो है वो जज्ब कर लेता है। वैसे तो ब्रश भी है लेकिन हम वो यूज नहीं कर रहे। ये देखें, इसको हल्का सा ऑयल लगाना है। अब बढ़ते हैं हम पिज्जे की तरफ। सबसे पहले मैदा डस्ट करेंगे, जिस शेप का आपका सांचा होगा पिज्जे का उसी शेप का आप पिज्जे को खोलिएगा, क्योंकि हमारा जो पिज्जा का जो सांचा है वो है रेक्टेंगल यानी मुस्ततील शक्ल का, इसलिए हम उसको उसी शेप में खोलेंगे। व्यूअर्स, जब आप जिस टेबल पे आप कर रहे हो इसको पिज्जे को खोलें, उधर ही आप फोक की मदद से उसको सुराख करें, होल उसके करें यानी छेद लें। अगर आप उसमें करेंगे सांचे में तो वो क्योंकि नॉनस्टिक होता है तो उसका जो है नॉनस्टिक जो है वो डैमेज हो जाता है। व्यूअर्स, ये जो छेद रहे हैं इसका मकसद ये होता है कि पिज्जा जो है उसके अंदर से बबल ना बने, वो बहुत उसकी सरफेस जो है वो एक जैसी रहे, और केजे जो है यानी चीज जिसको कहते हैं वो बिल्कुल उनकी सतह जो है एक जैसी हो। पिज्जा सॉस, इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे हर तरफ। फुल ऑफ चीज, क्योंकि ये है ही मार्गरीटा तो इसमें हम ज्यादा ज्यादा चीज डालेंगे भर भर के। बच्चे बड़े खुश होके खाते हैं ये। यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस बच्चों में जो है ये यही पिज्जा है, मार्गरीटा पिज्जा यानी चीज पिज्जा।
व्यूज़, ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। ओवन को हमने 250 डिग्री पे तकरीबन 10 मिनट पहले प्री हीट के लिए रखा हुआ था। अब हम इसको इसमें बेक करने के लिए रखते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। व्यूअर्स मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। व्यूअर्स पिज्जा हमारा तैयार है, बहुत प्यारा खूबसूरत देखें, गोल्डन कलर है। व्यूअर्स ये देखें, बहुत ही मज़ेदार चीज़ पिज़्ज़ा रेडी है, देखने में भी बहुत खूबसूरत, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो इसको हम जब जाएंगे किंडरगार्टन तो वहाँ पे काट के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बाकी इसी तरह से हम दूसरे भी तैयार करेंगे। व्यूअर्स आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो तब तक अपना ख्याल रखें, मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दो में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।